वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेस। शिव प्रकाश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अनुपात समानुपात चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें आज कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ए बी सी डी ए अनुपात में इसका मान ज्ञात करना है। तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए देखते हैं कैसे हल किया जाता है। तो ए अनुपात बी का मान लिखेंगे पहले, ठीक। उसके बाद बी अनुपात सी का मान लिखेंगे, फिर उसके बाद सी अनुपात डी का मान लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो जगह खाली है, यहाँ पर दो अंक खाली है, तो ये बगल वाला यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तीन लिख सकते हैं यहाँ पर, तीन, ठीक। और यहाँ पर ये बगल वाला लिख लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर ये चार बगल लिख लेंगे, फिर उसके बाद ये तीन वाला इसके बगल लिखेंगे, फिर इन सब का आपस में गुणा कर देंगे। तो दो चौक आठ, आठ त्रिक 24, फिर तीन चौक 12, बारह तियाँ 36, फिर तीन पचे 15, पंद्रह तियाँ 45, फिर उसके बाद तीन पचे 15, पंद्रह दूनी 30। ये जो मान प्राप्त हुआ ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हो गया। ये सबसे आसान ट्रिक है इस टाइप के सवाल की हल करने के लिए। अब देखते हैं सवाल नंबर दो। यहाँ पर एक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड का मान ज्ञात करना है। अब जो मान हमें ज्ञात है उसको पहले लिख लेंगे। दो अनुपात तीन, उसके बाद वाई अनुपात जेड का मान दिया है दो अनुपात एक। फिर मैंने बताया कि यहाँ जो रहेगा मान वही बगल लिखेंगे, तो यहाँ पर तीन है तो यहाँ लिख लेंगे तीन। फिर यहाँ पर खाली जगह के बगल दो है तो यहाँ पर दो लिख लेंगे। फिर इन सब का आपस में गुणा करेंगे, दो दूनी चार, तीन दूनी छः, तीन एकन्नम तीन। ये जो मान प्राप्त हुआ ये एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं सवाल नंबर तीन। यहाँ पर एक ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दिया है और यहाँ पर ज्ञात करना है ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी अपान ए का क्या होगा। तो ज्ञात मुझे करना है ए अपान बी, बी अपान सी, सी अपान ए का मान। तो ए का मान यहाँ पर दिया है दो और नीचे बटा में बी आना चाहिए, तो बी का मान यहाँ पर दो है और सी का मान चार दिया है, तो ए अपान बी है तो यहाँ पर तीन हो जाएगा। फिर बी अपान सी है, बी का मान तीन है, सी का मान चार। फिर उसके आगे देखते हैं, यहाँ पर सी का मान चार है और ए का मान दो है। यहाँ पर जो अनुपात में लिखा रहता है ये वाला इसका मान होता है, फिर उसके बाद वाला मान फिर ऐसा होता है, ठीक। अब इसको हल कर लेते हैं। दो बटा तीन, तीन बटा चार, यहाँ पर लिख सकते हैं इतना। अब यहाँ पर जो हर दिया है इसका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि इसे सरलतम रूप में बदलना रहता है, तो एलसीएम 12 हो जाएगा। एलसीएम वो संख्या होती है जो इन सबसे विभाज्य होती है, तो तीन से भाग देंगे, चार आ रहा है, चार का ऊपर गुणा कर देंगे तो चार दूनी आठ हो जाएगा। यहाँ पर फिर चार से भाग देंगे 12 में, तो तीन आ रहा है, तीन का तीन में गुणा कर देंगे, तीन तिया नौ हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर एक है, एक का 12 में भाग देंगे तो 12 ही आएगा, और ऊपर वाले में गुणा कर देंगे तो
बारह दूनी 24, ये अनुपात प्राप्त हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब सवाल नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 3:5:4 दिया है और यहाँ पर ज्ञात करना है ए प्लस बी अपान बी अनुपात ए बी प्लस सी अपान ए अनुपात ए बी प्लस ए अपान सी का क्या अनुपात होगा, ये ज्ञात करना है हमें। अब यहाँ पर ए का मान 3 है और बी का मान 5, सी का मान 4। इसको आप कुछ मान के भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर अनुपात है इसलिए यहाँ पर कुछ मानेंगे नहीं, डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा। फिर ए प्लस बी तो 3:5:5 अनुपात, बी प्लस सी, बी के मान 5 है और सी के मान 4 दिया है, ए का मान 3, तो बी प्लस सी, बी प्लस ए है 5:3:4। अब इसको हल कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8:5 अनुपाते 9:3 अनुपाते 8:4। अब यहाँ पर इन सब का एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको काट देते हैं, पहले ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच रहा है तो इसका एलसीएम 20 हो जाएगा, 5×20 होता है, इसके हर का एलसीएम 20 हो गया। अब इससे भाग दे देंगे, 5×20 4 गया तो 4 जो जाता है वो गुणा हो जाएगा, 8×32 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 बचा है, 1 का 20 में भाग देंगे तो 20 ही आएगा, तो 20×3=60। फिर उसके बाद 4 का भाग देंगे, 4×5=20, 5 आ रहा है, 5×8 में करेंगे 5×8=40। ठीक, अब इसको सरलतम रूप में लिखेंगे, इसको 2 से काट देते हैं, 16 और ये 30, ये 20, फिर अभी और कटेगा, ये 16:30:20 है। अब इसको 2 से और काट सकते हैं, हो जाएगा 8:15:10, ये आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में यही दिया है तो ये हो जाएगा, अगर ये नहीं दिया तो आप सरलतम रूप में हल करेंगे तो ये भी आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इसको मिटाकर आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए अपान बी प्लस सी इक्वल टू 3/7 और बी अपान ए प्लस सी इक्वल टू 2/3। यहाँ पर ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात करना है, तो इस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं देखते हैं आइए। तो 3, इन दोनों का योग कितना होगा, 3 और 7 का 10 होगा, और यहाँ पर 2 और 3 है, इसका योग 5 हो रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों को बराबर करेंगे, तो यहाँ पर 10 है वहाँ, इसको 10 करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 जो है ऊपर और नीचे दोनों गुणा हो जाएगा दोनों स्थान पे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4/6। तो यहाँ पर अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बी का मान बी अपान ए प्लस सी यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 4/6 हो रहा है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं बी का मान 4। और यहाँ पर ए का मान दिख रहा है वैसे ही 3 और बी प्लस सी का योग 7 होना चाहिए, तो यहाँ से ए का बी का मान मुझे पता है 4 है, तो बी और सी का मान 4+C=7, तो सी का मान आ जाएगा 3। यहाँ पर ए का मान आ गया है सी का मान और बी का मान पता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी 3:4:3, ये आंसर हो जाएगा।
इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है, तो वही मेथड लगेगा यहाँ भी। इन दोनों का योग देखेंगे और इन दोनों का योग बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 7 और 9 है तो इन दोनों का योग 16 हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं 15 और 17 है, इन दोनों का योग 32 हो रहा है, तो ये 32 ज़्यादा है। यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। अब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और 18। अब यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए का मान 14, क्योंकि ए अपान बी प्लस सी है। ए का मान यहाँ दिख रहा है 14 और यहाँ पर सी का मान दिख रहा है 15, ठीक। और यहाँ पर बी प्लस सी का योग 18 है और यहाँ पर ए प्लस बी का योग यहाँ 17 है। चाहे यहाँ से हल करें चाहे यहाँ से, चलिए यहाँ से हल करते हैं। ए का मान 14 है, ए प्लस बी इक्वल टू 17, और ए का मान 14 और ये 17, तो इधर ले जाएंगे इसको, 17 में से 14 गए 3 बचेगा, ठीक। तो हो जाएगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी के मान 14, बी के मान 3 है और सी के मान 15 है, ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल को ऐसे हल करते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बटा 2 बराबर बी बटा 3 बराबर सी बटा 5 हो तो ज्ञात करना है 4a+3b माइनस सी अपान बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ए बी सी का पहले अनुपात निकाल लेते हैं। मैंने कल बताया था अगर इस टाइप का है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया, यहाँ पर एक है और नीचे जो दिया रहता है वह डायरेक्ट अनुपात में हो जाता है। इसको आप लिख सकते हैं 2:3:5, ठीक। या तो आप इसको अलग अलग ए अनुपाते बी पहले निकाल लीजिए, फिर बी अनुपाते सी निकाल लीजिए, फिर उसके बाद ए बी सी निकालिए, वैसे भी हो जाएगा ऐसे भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान आ गया है, ठीक। अब यहाँ पर ए का मान 2 है, बी का मान 3 है और सी का मान 5 है, तो इसमें रख देते हैं 4 × 2 + 3 × b का मान 3 माइनस सी का मान 5 है, 5, फिर b का मान 3। इसको अब हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे हो जाएगा 4 × 8 + 3 × 9 -5/3, तो 8 × 16 = 17 -5 = 12, उसके बाद 3/3, तो 3 × 12, यहाँ पर 4 उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया है x/5 = y/7, ज्ञात करना है x-10 / y-10 क्या होगा। अब यहाँ पर x और y का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x/y, इसको इस तरफ ले जाएंगे इसको इस तरफ, तो 5/7 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं x/y = 5/7, ठीक। अब यहाँ पर x का मान 5 है, y का मान 7 है, इसमें रख देंगे x का मान 5, फिर अनुपात का मतलब बटा होता है, y का मान 7। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर -5 आ जाएगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है, इससे -10 में से 5 गए -5, तो -10 में से 7 गए, 7 में से जब घटाएंगे तो यहाँ पर -3 बचेगा,
माइनस माइनस से कट जाएगा तो 5/3 हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, यदि ए अनुपाते बी बराबर दिया 4:9 और ए अनुपाते सी इक्वल टू दिया है 2:3, ज्ञात करना है ए प्लस बी अनुपाते ए प्लस सी। ठीक, इस टाइप के सवाल में पहले ए बी सी का रेशियो आपस में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखने की बात यह है, यहाँ पर दिया है ए अनुपाते बी, यहाँ पर दिया है ए अनुपाते सी। ठीक, अगर यहाँ पर बी अनुपाते सी होता तो हम जैसे हल कर रहे थे वैसे हल हो जाता आराम से। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है, तो ए अनुपाते बी को आप बी अनुपाते ए लिखेंगे। ठीक, यहाँ लिख लेंगे 9:4, इसको उलट दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ए अनुपाते सी दिया ही है। ठीक, तो बी अनुपाते ए अनुपाते सी हम ज्ञात करेंगे पहले, तो यहाँ हो जाएगा 9:4। ठीक, यहाँ पर फिर लिख देंगे 2:3। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ए अनुपाते सी दिया है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए। फिर उसके बाद इसके बगल बताए थे जो रहता है वही लिख लिया जाता है, इसके बगल खाली स्थान में ये संख्या लिख ली जाती है, फिर इनको आपस में गुणा किया जाता है। ठीक, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 × 2 = 18, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12। ठीक, उसके बाद अब इसको सरलतम रूप में लिखेंगे, 9:4:6, इन सब को 2 से काट दिया गया है। ठीक, तो ये मान है बी अनुपाते ए अनुपाते सी का। ठीक, इसको आप ए अनुपाते बी अनुपाते सी के रूप में लिखेंगे तो इन दोनों का स्थान चेंज हो जाएगा। ठीक, 4:9:6। ठीक, अब यहाँ पर ज्ञात करना है हमें ए प्लस बी, ए प्लस बी यहाँ पर 4+9 / ए प्लस सी, ए का मान 4 है और सी का मान 6 है, इसको जोड़ लेते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 9 × 4 = 13/10। ठीक, तो ये ए प्लस बी अपान ए प्लस सी का मान आ जाएगा 13/10, ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सरल करना है, ऑप्शन के हिसाब से बनाना है इसको। अब यहाँ पर 2 ( 3 / 3 ( 4 / 1 ) 6 दिया है, यहाँ पर इसको त्रिक गुणा करते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं, 3 × 6 + 1 = 7, 7/3 / 3 × 4 = 12 और ऊपर अंश वाला एक जोड़ देते हैं उसमें 13/4, तो 6 × 6 अंश जोड़ेंगे 7/6। ठीक, उसके बाद हर का एलसीएम लेते हैं, तो 3, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। 12 ऐसी संख्या है जो इन तीनों से विभाज्य होती है, तो यहाँ पर 3 से भाग देंगे 4 आ रहा है, 4 का अंश में गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर इसका भाग देंगे जो आएगा उसको फिर अंश में गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे आगे करेंगे। ठीक, तो 3 से भाग देते हैं 4 आ रहा है, 4 का अंश में गुणा करेंगे 7 × 6 = 28, 4 से भाग दिए 3 आ रहा है, 3 का अंश में गुणा किए 33 = 39, फिर 6 से भाग दिए 6 × 12 और 2 आ रहा है, 2 का गुणा 7 में किया गया, 7 × 14 देखते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ दिया है 25, 25 की पावर है 2.5 अनुपाते 5³, इसको हल करना है, ऑप्शंस दिए हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप 25² 2 ×
25 की घात 1/2, क्योंकि 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, एक में अगर दो से भाग देंगे तो 0.5 आता है, ठीक। अनुपात है तो इसको बटा में लिख सकते हैं, 5 की घात 3, ठीक। तो 25 को आप 5 की घात 2 और पूरे की घात दिया है 2, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद गुणे 5 का यहाँ पर 1/2 है, रूट में है तो 5 आ जाएगा, बटे 5 की घात 3। फिर यहाँ पर गुणा कर देंगे, 5 की घात 4 बटे 5 की घात 3। यहाँ पर फिर इसको 5 की घात 5 बटे 5 की घात 3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 की घात 5 - 3। लिख सकते हैं आप 5² / 1, इसको आप लिख सकते हैं 25/1, इसको आप लिख सकते हैं 25:1। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।